जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पत्रस का यीशु को मसीह स्वीकारना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे, और इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ने के बाद तुरंत बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वचन को बीच में छोड़कर मत जाइए। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट हो, इसलिए हर हाल में कोशिश करता है शैतान की आपको, वो आपको प्रेरित करे कि आप इस वीडियो को स्किप करें, लेकिन आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा पत्रस का यीशु को मसीह कबूल करना। तेरहवीं आयत से पढ़ते हैं उर्दू में। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने सागिर्दों से पूछा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? 14वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, बाज योहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम क्या कहते हो? 16वीं आयत में उर्दू में लिखा है, समाउन पत्रस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में कहा, मुबारक है तू समाउन बरयुन्ना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ने आएंगे। मैं आसमान की बादशाह की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वह आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वह आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूं। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हिंदी में इसका शीर्षक रहेगा पत्रस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया, और इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह है वो कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया। और इससे पहले यीशु ने बताया था कि अपने चेलों से कि फरीसी और सदूकियों की शिक्षा के खंभीर से सावधान रहे, और कुछ लोगों ने इससे पहले स्वर्गीय चिन्ह की मांग भी की थी। और इन सब घटनाओं के बाद है वो यीशु मसीह है वो कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आते हैं, और अपने चेलों से पूछने लगते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अपने चेलों से पूछते थे पहले, भाई लोग मुझे क्या कहते हैं, भाई बताओ तुम। तो उन्होंने कहा, तो चेलों ने यीशु को जवाब में कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई कहते हैं। अर्थात जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, इसी प्रकार कुछ और भविष्यवक्ता थे, उन्हीं भविष्यवक्ताओं के समान आपको भी कुछ लोग भविष्यवक्ता मानते हैं। तो 15वीं आयत में लिखा है, यीशु ने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह कहते हैं, भाई दुनियादारी को छोड़ो, पता नहीं के क्या है, ताम बताओ, ताम मने के नाम ले लो हो, के समझो हो, इतने दिन तारा लड़ रहे हो मेरे बारे में, तुम्हारा के विचार है? तो 16वीं आयत में लिखा है, समोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का मसीह। पत्रस यीशु मसीह से कहता है कि तू जीवते परमेश्वर। सबसे पहले बात हमें ये याद रखनी कि परमेश्वर जिंदा है, डेड नहीं है। जो जिंदा है उसमें एक्टिविटी होती है, उसमें कार्य करने की क्षमता रहती है, और हमारा परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। कोई मूर्ति नहीं कि जिसके कान हो सुन नहीं सकते, कोई मूर्ति नहीं जिसकी आंखें हो देख नहीं सकती, कोई मूर्ति नहीं जिसके पांव हो चल नहीं सकते, और कोई मूर्ति नहीं जिसके की हाथ हो और वो एक्टिविटी न कर सके। हमारा और आपका परमेश्वर
जिंदा मसीह है। और परमेश्वर ने बड़े ही समझदारी के साथ उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 17वीं आयत में कहते हैं, यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, हे समोन योन्ना के पुत्र, पतरस कौन है? योन्ना का पुत्र। हे समोन योन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। तो यीशु मसीह पतरस को धन्य बताते हैं और कहते हैं कि ये जो जवाब आया, ये तेरी ओर से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर से की ओर से आया है, पवित्र आत्मा की ओर से ये जवाब आया है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और इसके अलावा, इसके साथ साथ उसको आशीर्वाद देते हैं पतरस, कहते हैं कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी कलीसिया है वो खड़ी करूंगा, और इस कलीसिया को खड़ी करने में शैतान है वो, उसका कोई योगदान नहीं होगा, वो तुझे किसी भी प्रकार से है इस काम को करने में जो मैं तुझे सौंपूंगा रोक नहीं पाऊंगा। शैतान का ये काम करने से रोकने पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि स्वर्ग का राज्य है वो कैसा है, किस प्रकार से उसमें तू प्रवेश करेगा, किस प्रकार से बाकी लोगों को तू उसमें प्रवेश कराएगा। मैं स्वर्ग के राज्य के भेद है तुझे खोल खोल कर बताऊंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पे बनेगा, और जो कुछ भी तू परमेश्वर के लिए कार्य करेगा इस पृथ्वी के ऊपर, वो सारा कार्य है वो ऊपर आसमान के अंदर उसका एक एक का हिसाब किताब लिया जाएगा, उसका क्रेडिट आपको तुझे है वो स्वर्ग में मिलता जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और इसके अलावा जैसे जैसे तू पृथ्वी पर परमेश्वर कार्य करता जाएगा, उसी प्रकार से स्वर्ग के अंदर भी तेरा पद है वो ऊंचा होता जाएगा, और तू वहां पर भी तेरा प्रमोशन होता जाएगा। और 20वीं आयत में कहते हैं, तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। और यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि किसी को मत कहना कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आप जानते थे कि मुंह से बोला गया वचन नहीं, बल्कि हमारे काम है वो हाँ सब लोगों को बता देते हैं कि हम कौन है, हम क्या है। और यीशु मसीह कर्म करने में विश्वास करते थे, और रात दिन है वो काम करते रहते थे। आपको और मुझे भी लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम कौन है, हमारे काम है वो लोगों को बता देंगे कि हम कौन है, उन कामों को देखकर लोग स्वयं हमें बता देंगे कि हम कौन है। जिस प्रकार की यहाँ पर पत्रस ने यीशु मसीह जो हार्ड मास का बना था उसको देखकर नहीं कहा कि तू जीवते परमेश्वर की संतान है, बल्कि यीशु मसीह ने जो अब तक उनके साथ रहते हुए कार्य किए थे, जो चमत्कार दिखाए थे, जो चिन्ह दिखाए थे, उन चीजों को देखकर कहा था कि तू जीवते परमेश्वर की संतान है, तू मसीह है, तू यीशु है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की जय।